नमस्कार प्रिय मित्रों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे YouTube चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सूर्य को अर्घ प्रदान करने की सही विधि बताऊंगा। सूर्य को अर्घ प्रदान करने के क्या लाभ हैं, सूर्य को जल कैसे बर्तन में देना चाहिए, कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों में सूर्य को अर्घ प्रदान करने को संध्या कहा जाता है। शास्त्र कहता है, संध्या येनन विज्ञाता संध्या येनान उपासिता जीव मानव भवे क्षुद्र मृता स्वाच्चाभिजायते। जो व्यक्ति संध्या नहीं जानता, संध्या नहीं करता, वह जीते जी अल्पमति और मरने पर कुत्ते की योनि को प्राप्त होता है। दोस्तों, जो व्यक्ति सूर्य को जल दिए बिना अन्य कोई भी शुभ कर्म करता है, हवन यज्ञ दान पुण्य मंत्र जाप कुछ भी अच्छा काम करता है, शुभ कार्य करता है, धर्म कार्य करता है, उसका वह कार्य स्वीकार्य नहीं होता, पूर्ण नहीं माना जाता। तो इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या दोस्तों आप बहुत अच्छी श्रेणी के गवर्नमेंट लैब सर्टिफाइड राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो हमारे यहाँ से सभी प्रकार के रत्नों की अंगूठियाँ बनाकर सिद्ध पूजा पाठ करके देश विदेश में भेजी जाती है। तो चलिए दोस्तों, विषय में आगे बढ़ते हैं। प्रातःकाल हिंदू मात्र को स्नान के उपरांत सबसे पहले एक तांबे के लोटे में जल लेकर 3 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए सूर्य को जल देना चाहिए। यदि आप खड़े होकर के सूर्य को अर्घ देते हैं तो जो जल के छींटे हैं आपके पैरों में नहीं पड़ने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। नहीं तो बैठकर भी सामने कोई पात्र रख के, कोई थाली, कोई प्लेट तांबे की, उसमें सूर्य को अर्घ दिया जा सकता है। सूर्य को अर्घ देते समय यदि आपका लोटा या आपके पास जो बर्तन है वह तांबे का है तो ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा यह माना जाता है। दोस्तों, सूर्य को अर्घ प्रदान करते समय 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और उसके उपरांत 11 बार 21 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इस प्रक्रिया को संध्या कहा जाता है। संध्या किए बगैर यदि आप कोई अन्य शुभ कार्य करते हो तो हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार वह आपका शुभ कार्य मान्य नहीं होता, स्वीकार्य नहीं होता। प्रातःकाल सूर्य को अर्घ देते समय आपका मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए। यदि आप बैठ करके नियमित स्थान पर संध्या करते हैं, सूर्य को जल देते हैं, तो आपका जो आसन है वह लाल रंग का और ऊनी आसन होना चाहिए। रविवार के दिन आप उस जल में थोड़ी रोली और लाल पुष्प मिला करके यदि सूर्य को अर्घ प्रदान करेंगे तो आपके सूर्य संबंधित समस्त दोष दूर होंगे और घर में प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा, इससे आपको आत्मशक्ति की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, प्रातःकाल यदि आप हिंदू हैं, आप किसी भी वर्ण से आते हैं, तो प्रातःकाल स्नान के उपरांत या स्नान करने में आप थोड़ा लेट भी हो जाओ, स्नान के उपरांत आपको सूर्य को जल जरूर देना चाहिए। उसके उपरांत ही आप चाय पानी नाश्ता लें, उससे पहले कुछ आहार भी न करें, यह हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रथम कर्तव्य है, इसको अवश्य करें, अवश्य निभाएं। कामना करता हूं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे ऐसी ही शानदार जानकारियों के साथ भविष्य में भी। तब तक के लिए नमस्कार।